चरखी दादरी में बीती रात थार गाड़ी सवार तीन बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गांव कल्याणा में हुई इस घटना में गोली लगने से युवक सतीश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात सतीश अपने दोस्तों के साथ खेतों से घर की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक थार गाड़ी उसके पास से गुजरी और चालक ने अचानक से गाड़ी सतीश और उसके दोस्तों के ओर मोड़ ली। इसके बाद थार चालक ने गाड़ी रोककर सतीश को गोली मारने की धमकी दी और इस दौरान दोनों तरफ की कहासुनी हुई तो थार सवारों ने सतीश के पेट में गोली मार दी। गोली चलाई है, गोली लगी है मेरा भाई की। क्या नाम था? सतीश नाम था, छोटा भाई है। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश थी? ना, कोई रंजिश नहीं थी पुरानी। तो जो गोली जिन्होंने फायरिंग की है वो कैसे आए थे? वो गांव में से गए थे, थार गाड़ी है, फायरिंग करके भाग गए। गांव वाले गए तो गाड़ी को छोड़ के भाग गए। सतीश को गोली मारने की भनक ग्रामीणों को लगी तो लोग भारी तादाद में घटना स्थल पर पहुंच गए। ऐसे में तीनों बदमाश थार गाड़ी मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। उनका कहना है कि अगर राहत चलते लोगों को गोलियां मारी जाने लगी तो लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो जाएंगे। हालांकि घटना के बाद डीएसपी से लेकर थाना प्रभारी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उसमें हमने FIR दर्ज कर दी और आरोपियों की तलाश के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं और जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हाँ, पुलिस की तरफ से तीन टीम बना दी, CIA, AVT स्टाफ और सोम में। जी सर, तीन टीमों हम छानबीन कर रहे हैं। मौके पे हमने एक थार गाड़ी बरामद की बदमाशों की और उसमें दो मोबाइल रिकवर किए हैं और एक हथियार रिकवर किया। प्रयत्न चल रहे हैं, जल्दी हम उनको कैप करेंगे। हाँ, आरोपी मौके से फरार हो। जी सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उचित कार्रवाई नहीं कर रही, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं परिजन। हम बार बार संपर्क कर रहे हैं इंजर्ड से, उनका हालचाल पूछ रहे हैं और बिल्कुल रेड की जा रही है बदमाशों पे। पूछ गवाह विटनेस के लिए, विटनेस जो गवाह होते हैं उनकी हमने गवाही लिखने के लिए बुलाए थे, बाकी कोई विटनेस को कोई परेशान नहीं किया जा रहा। बता दें कि घटना स्थल से पुलिस टीम को एक थार गाड़ी और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की तीन टीमों का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।